इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। आपको बता दें, दौसा में डॉक्टर आत्महत्या मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में सहमति बनने की खबर। देर रात डीजीपी एमएल लाठर की मौजूदगी में शुरू हुई थी बैठक। बैठक में एसीएस होम अभित कुमार, प्रमुख चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया, चिकित्सा सचिव आशुतोष पेंडेकर के अलावा चिकित्सक संगठनों से डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला, डॉक्टर शिवराज सिंह, डॉक्टर ओपी शर्मा शामिल रहे। बैठक के बाद में आईएमए की राजस्थान ब्रांच के लेटर पैड पर सूचना जारी की गई। चिकित्सकों की अधिकांश मांगों पर सहमति से आंदोलन समाप्ति की घोषणा। हालांकि निजी अस्पताल प्रतिनिधियों की तरफ से इस पूरे मामले में अभी चुप्पी साधी गई है, जबकि अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के एक धड़े ने यह अपील की है चिकित्सकों से कि काम पर वापस लौट आए। तो आपको बता दें, दौसा में डॉक्टर आत्महत्या मामले से जुड़ी हुई ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में सहमति बनने की खबर सामने आ रही है। देर रात डीजीपी एमएल लाठर की मौजूदगी में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में तमाम चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे, आपस में बातचीत यहाँ पर की गई और इस पूरे मसले को लेकर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधी गई है। आंदोलन पर चिकित्सक संगठनों में दो फाड़। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हड़ताल खत्म करने को लेकर आईएमए राजस्थान ब्रांच और पीएचएनएचएस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल राज्य सरकार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में देर रात इस पूरे मसले को लेकर सहमति बनी है। देर रात डीजीपी एमएल लाठर की मौजूदगी में बैठक हुई है। एसीएस होम अभित कुमार बैठक में मौजूद रहे, प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, चिकित्सा सचिव आशुतोष पेंडेकर के अलावा चिकित्सक संगठनों से डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला, डॉक्टर शिवराज सिंह, डॉक्टर ओपी शर्मा इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे, जबकि ऑनलाइन माध्यम से आईएमए राजस्थान ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शारदा भी इस बैठक में जुड़े। सचिव डॉक्टर पीसी गर्ग, डॉक्टर राहुल कट्टा चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए यहां पर अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए यहां पर अधिनियम बनाए गए हैं। अस्पतालों के बाहर शव रखकर प्रदर्शन की परंपरा पर रोक लगाने की मांग की गई है। पूरे घटनाक्रम के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार डीवाईएसपी एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर भी बात हुई। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, एक और यहां पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है, दूसरी ओर जो चिकित्सक संगठन है उनमें आपस में दो फाड़ दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो डॉक्टर्स की हड़ताल और आज पूरे राजस्थान और देशव्यापी जो आंदोलन की जो बिगुल बजाया गया था उसको लेकर के एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम आज सुबह देर रात को देखने को मिला है। देर रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास एक बड़ी बैठक हुई थी राज्य सरकार के स्तर पर। डीजीपी एमएल लाठर की अध्यक्षता में बैठक देर रात शुरू हुई थी, जिसमें की चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया मौजूद थे, चिकित्सा सचिव आशुतोष पेडनेकर मौजूद थे और उनके अलावा अन्य सरकार की तरफ से बड़े अधिकारी मौजूद थे। एचएस होम जो है वो बैठक में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में कुछ जो चिकित्सक संगठन है उनसे उनकी वार्ता हुई है। आईएमए राजस्थान ब्रांच की जो अधिकृत जो पदाधिकारी है उनकी तरफ से करीबन 2:30 से 3:45 बजे के आसपास एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हड़ताल है उसको वो और जो सभी चिकित्सक जो है वो काम करेंगे। और इसके बाद में बहुत राहत की बात सामने आ रही थी कि ये जो सहमति है वो बन गई है। जो सहमति बनी थी उन सहमति के बिंदु जो बात में यही था कि जो डिमांड थी डॉक्टर की उन डिमांड डीसीपी डीसीपी और एसएचओ दोनों के खिलाफ रहता है 10 के रेंज जो शिक्षकों के बने हुए अधिनियम जो है उसको लागू करने की बात कही गई थी। जो अस्पताल की परंपरा है उसको रोकने की बात थी। एसओपी कमेटी करने की बात कही थी, जो दिन में रिपोर्ट एसओपी जारी कर दिया जाएगा। ये जो बिंदु थे इन बिंदु सहमति बनी और उसके बाद में आईएमए राजस्थान भारत की तरफ से लेटर पैड जारी किया गया, जिसमें की आंदोलन समाप्ति की घोषणा की। लेकिन अल मामले को लेकर के वापस से बड़ा विवाद सामने आ गया है।
जो और संगठन है जो कि इस पूरे आंदोलन की अगुवाई करते इस पूरे मामले में सबसे जो मुद्दा है वो राजस्थान जो राजस्थान की पहले बिगुल हो जाया था उनके फैक्ट्री है उन्होंने बड़ा बयान जारी किया है कि ये जो आंदोलन है ये किसी एक भी व्यक्ति विशेष की आंदोलन नहीं था, ये पूरा चिकित्सा समुदाय का आंदोलन था और उन्होंने आंदोलन को यथावत रखने का ऐलान किया। साथ में ओपीडी आईपीडी इमरजेंसी सेवाएं मैं खास तौर पर जोर देना चाहूंगा, आज तमाम जो अस्पताल है निजी अस्पताल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल है नर्सिंग होम से सभी जगह पे इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद रखने का ऐलान उन्होंने किया है जो कि बड़ी बात है। संभवतः 10 से 15 साल में पहली बार ऐसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल पूरी तरह से शटडाउन की स्थिति में आ गए हैं। अगर आज का जो आंदोलन होता है तो ये शटडाउन होगा और सीधा असर में जाना पड़ा है। उसके साथ ही मेडिकल टीचर्स जो मेडिकल प्रैक्टिस सोसाइटी के अध्यक्ष है डॉक्टर संजीव गुप्ता उन्होंने भी आंदोलन को जारी रखने की बात बात करें अगर राजस्थान टीचर एसोसिएशन की तो उनकी तरफ से अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया लेकिन उन्होंने भी कल आईपीडी के बहिष्कार की घोषणा की थी। हालांकि उनका अभी तक अधिकृत बयान जो है उनका नहीं आया, उनके अधिकृत बयान का इंतजार है। अभी की स्थिति है उसमें आंदोलन को लेकर के जो पूरा एक संयुक्त मोर्चा बना था संघर्ष समिति बनी थी वो हो गए उसके अंदर आइए में राजस्थान ब्रांच ने जहाँ पे आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है वही दूसरी ओर प्रैक्टिस निजी हॉस्पिटल एंड सोसाइटी ने आंदोलन को यथावत रखने की बात कही है। ठीक है विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें महिला डॉक्टर की आत्महत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर एक और जहां पर डॉक्टर्स के तमाम संगठन ऐसे हैं जिन्होंने कल सहमति जताई है जो भी फैसले लिए गए उसके बाद में, तो वहीं पर दूसरी ओर एक धड़ा ऐसा भी है जो इस बात से काफ़ी नाराज़ है और उन्होंने साफ बोल दिया कि फिलहाल हमारा आंदोलन जो है हमारा प्रदर्शन जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी।